पिलानी शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, विवाहिता बेटे सहित लापता, परेशान पति ने दर्ज करवाई गुमशुदगी। पिलानी के वार्ड 28 की एक विवाहिता महिला अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ लापता है। स्कूल में पढ़ने वाले अपने बेटे संस्कार कुमावत को साथ लेकर 11:30 बजे कहीं चली गई थी। सब जगह ढूंढने पर भी मनीषा व संस्कार का कुछ पता नहीं चल पाया। मनीष कुमावत ने गुमशुदगी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि जब घर पर संभाला तब पता चला कि मनीषा अपने साथ सभी जेवर और अपने कपड़े आदि सामान भी ले गई है। मनीष और मनीषा दोनों की शादी लगभग 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी और दोनों की यह दूसरी शादी है। मनीष पिलानी का ही रहने वाला है तथा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, जबकि उसकी पत्नी मूल रूप से गुड्डा की रहने वाली है, जिसकी पहली शादी खेतड़ी के पास बाडड़ा गांव में हुई थी। बेटा संस्कार, जिसकी उम्र 8 वर्ष है, वह भी मनीषा की पहली शादी का ही बेटा है। मेरा नाम मनीष कुमावत है, मैं पुलिस स्टेशन के पास रहता हूँ और मेरी बीवी और मेरे बच्चे लापता है। नाम है उसका मनीषा वर्मा और बच्चे का नाम है संस्कार वर्मा। और वो कब से गायब है? आज सुबह 11:30 बजे के आसपास से गायब है। और क्या कह के निकली? घर से कह के निकली, मैं स्कूल जा रही हूँ और अब उसका कोई अता पता नहीं है। क्या कोई झगड़ा वगैरह हुआ? बिल्कुल भी झगड़ा वगैरह नहीं हुआ मेरा उससे। आपको कैसे मालूम चला कि आप? मेरे बेटे के थ्रू पता चला कि बच्चा 2 बजे स्कूल से आता है घर पे, तो मेरी बेटी ने बताया कि संस्कार घर नहीं आया, तो मैंने फोन कार्रवाई की और थाने में रिपोर्ट लिखाई। किसी के ऊपर शक है आपको? शक तो क्या बताऊँ शक के बारे में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, जो वो लेके चली गई। जो लड़का कितने साल का था? 8 साल का था। और लड़की कितने साल की? लड़की 16 साल की थी। आप क्या काम करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, टाइल मार्बल ग्रेनाइट्स का मिस्त्री हूँ, हाथ से भी काम करता हूँ और टाइल्स फिटिंग भी करता हूँ। यहाँ पर किराए पर रहते हैं क्या? नहीं, खुद का घर है, पुलिस स्टेशन के पास के अड़के ही। झगड़ा वगैरह हुआ? बिल्कुल भी नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से गई थी सुबह। तो आसपास में रिश्तेदारों में फोन किया आपने? सब जगह कर लिया कॉल, फिर कोई भी अता पता नहीं उसका। चिड़ावा में सरकारी अस्पताल सुर्खियों में ही रहता है। आज दूसरे दिन भी उपखंड अधिकारी संदीप चौधरी ने चिड़ावा सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि शिकायत पोर्टल पर लगातार पार्किंग व्यवस्था पर शिकायत हो रही है। इसी दरमियान यह भी सामने आया है कि 2022 में 1 अगस्त से पार्किंग व्यवस्था CHC प्रभारी द्वारा अलॉट की गई है। शिकायतकर्ता मानसिंह चौधरी ने बताया कि इससे पहले भी पार्किंग वसूल की जा रही थी। सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो यह वसूली किस आधार पर की जा रही थी। इस विषय में पार्किंग ठेकेदार से भी बातचीत की गई, जिसका कहना था कि पार्किंग अलॉट होने के बाद से ही पार्किंग राशि वसूल की जा रही है, जो अनुचित नहीं है। जब इस पार्किंग वसूल की जानकारी उपखंड अधिकारी संदीप चौधरी को दी गई तो उन्होंने 1 हफ्ते का हमें समय दिया है कि पहले पार्किंग व्यवस्था और पार्किंग शुल्क जो वसूला जा रहा है और जो शुल्क वसूला जा चुका है उसकी जानकारी जुटा लेते हैं, इसके बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकेगा। सरकारी अस्पताल में मरीजों व उनके साथ आने वालों के लिए शौचालय की सुविधा को लेकर भी काफी बार सवाल उठ चुके हैं। इस मामले में पार्षद गंगाधर सैनी के नेतृत्व में ज्ञापन भी दिया जा चुका है। उपखंड अधिकारी ने महिला वार्ड में भी मरीज के साथ ज्यादा लोगों का न रहने की हिदायत दी और महिला वार्डन को फटकार लगाई। इस दौरान आज सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने गलत तरीके से खड़ी की गई मोटरसाइकिलों की हवा भी निकाली गई। इस दौरान सरकारी अस्पताल में चल रहे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भी SDM संदीप चौधरी ने हिस्सा लिया और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही बूस्टर डोज भी लगवाया और कहा कि रक्तदान महादान है, जब भी मौका मिले सभी को करना चाहिए।